डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल, सिक्स क्लास, कंप्यूटर के यूनिट वन का लेक्चर नंबर सिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम यूनिट, और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिस्टम यूनिट कोई काम नहीं करता, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। सिस्टम यूनिट जस्ट लाइक अ बॉक्स, और उसमें हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स पड़े होते हैं बॉक्स में, ताकि वो किसी भी डैमेज से बच सके। अब हम लोग ये देखते हैं कि उस सिस्टम यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट्स पड़े होते हैं। उसमें सिक्स क्लास सबसे पहला आ जाता है मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट में सबसे पहला जो कंपोनेंट हम लोग करते हैं वो है मदरबोर्ड। सिक्स क्लास, मदरबोर्ड भी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, जस्ट ये एक बोर्ड होता है जिसके साथ कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी चिप्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मींस कंप्यूटर के साथ हम लोग जो भी डिवाइसेस कंपोनेंट्स अटैच करेंगे वो सारे के सारे हमारे मदरबोर्ड के साथ लगेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं मदरबोर्ड इज अ लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड। इट डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, बट ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर अटैच्ड विद द मदरबोर्ड। कोई भी कंपोनेंट हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे वो हमारा मदरबोर्ड के साथ अटैच होगा। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर, उसके बाद है मेमोरी, उसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, देन है रैम। रोम मीन्स हमारे स्टोरेज डिवाइसेस। मदरबोर्ड के साथ सबसे पहले हमारा जो डिवाइस होता है, कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, वो है प्रोसेसर, उसके बाद मेमोरी, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद रैम एंड रोम। प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मेमोरी स्टोर्स डेटा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मींस माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर्स। ये सारे हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। हम लोगों ने माउस भी पढ़ा था, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। सिक्स क्लास, आउटपुट डिवाइसेस हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, लेकिन वो अटैच किसके ज़रिए होते हैं? मदरबोर्ड के ज़रिए। और मदरबोर्ड कहाँ पड़ा होता है? ये हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। उसके बाद डाटा को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं रैम। देन है हमारे पास सिक्स क्लास। हम लोग अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसका फर्स्ट कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर ब्रेन। प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। हमारे पास हम भी ब्रेन के ज़रिए काम करते हैं। हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, हर काम को, हर फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। सेम इसी तरह कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो इनपुट हो, प्रोसेसिंग हो या आउटपुट हो, उन सारे के सारे फंक्शंस को कंप्यूटर का प्रोसेसर कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम प्रोसेसर को बोलते हैं प्रोसेसर इज़ अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसने इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है मेमोरी से, सीपीयू तक। सीपीयू प्रोसेसर को ही बोलते हैं। अब प्रोसेसर ने क्या करना है?
सिक्स क्लास छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर काम करते हैं इनपुट को आउटपुट में चेंज करते हैं। अब इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के लिए कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है ये कौन करता है, ये कंप्यूटर का प्रोसेसर करता है। लेकिन ये कब करता है, जब इनपुट हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुट में चेंज कर देते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर को कुछ भी देते हैं, वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाते हैं, फिर उसके बाद सीपीयू में, सीपीयू इसको प्रोसेस करने के बाद दोबारा मेमोरी में भेज देता है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं टीचर्स क्लास में बैठ के, आप उसको उसी टाइम डिवाइस नहीं करते हो, प्रोसेस नहीं करते हो, लेकिन आप लोग क्या कर लेते हो, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हो। मेमोरी में स्टोर करने के बाद जब आपका ब्रेन फ्री होता है उस वक़्त आप उसको मेमोरी से रिकॉल करते हो, उसको अपने दिमाग में ले जाते हो, दिमाग आपका उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद कल आके आप लोग हमें आउटपुट दे देते हो। सेम इसी तरह हम लोग कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाती है, मेन मेमोरी में जाती है। मेन मेमोरी के बाद जब हमारा सीपीयू या प्रोसेसर फ्री होता है तो वो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल जाती है। आउटपुट को उसमें चेंज कर, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के बाद वो दोबारा उसको मेन मेमोरी में उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी स्टोर होती है। अब प्रोसेसर का काम ये होता है कि इसने कैरी करनी है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, एफिशिएंटली विदाउट एनी मिस्टेक, एफिशिएंटली तेज़ी से एंड एक्यूरेटली विदाउट एनी मिस्टेक। अब ये जो काम है ये हमारा प्रोसेसर करते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर प्रोसेसर को बोलते हैं कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ये क्या काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से लेते हैं, उसको प्रोसेसिंग के बाद मेमोरी में दोबारा से स्टोर कर देते हैं। मींस इसने इनपुट को चेंज कर दिया आउटपुट में, और ये इनपुट को या डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। इट आल्सो कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो हमारी इनपुट होती है वो हमारा डाटा होता है और जो आउटपुट है वो हमारी इन्फॉर्मेशन, इसीलिए हम इसको प्रोसेसर की वर्किंग को बोलेंगे इट आल्सो कन्वर्ट्स डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ये हमारे डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देती है। नेक्स्ट सिक्स क्लास हम पढ़ते हैं मेमोरी। नेक्स्ट कंपोनेंट जो सिस्टम यूनिट में सेव सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होते हैं मदरबोर्ड के साथ, वो कौन सा है, मेमोरी। सिक्स क्लास हमें चीज़ों को डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होगी तो हम चीज़ों को या अपने डाटा को याद नहीं रख पाएंगे। इसी तरह कंप्यूटर को अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को इनपुट को या फिर आउटपुट को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है, मीन्स ये बिजली से चलती है और डाटा को होल्ड करती है, अपने अंदर स्टोर करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। इट स्टोर्स डेटा, ये डेटा को स्टोर करती है कैपेबिलिटी भी बोल सकते हैं, मतलब कि जितनी मेमोरी हमारी ज़्यादा होगी उतना ही डाटा अपने अंदर ये स्टोर करती है। अगर इसके जीबीस का मेमोरी की जो वर्किंग होती है वो बिट्स में होती है, सिक्स क्लास बिट्स के बाद निबल बनते हैं, निबल के बाद बाइट बनती हैं, बाइट के बाद आगे जीबी, मेगाबाइट, किलोबाइट। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है सिक्स क्लास वो 0 और 1 की फॉर्म में काम करती है,
हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अल्फ़ाबेट्स हों, सिंबल्स हों, नंबर्स हों, कंप्यूटर की मेमोरी उसको 0 और 1 के फॉर्म में उसको चेंज करती है। 1 0 1 बिट है, 1 मिला देंगे तो 2 बिट्स हो जाएंगी, 0 1 1 0, ये जितने भी हो जाएंगे एक यूनिट को हम बोलते हैं बिट। जब ये 4 बन जाती हैं, 4 बिट्स होती हैं तो एक निबल बनती है। जब ये 8 हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ये 8 बिट्स मिलती हैं तो एक बाइट बनती है। इसी तरह इसकी जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसको हम लोग GB, गीगाबाइट, MB, मेगाबाइट, KB, किलोबाइट, TB, टेराबाइट, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती जाएगी इसके यूनिट्स को हम चेंज करते जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो अपने अंदर डाटा को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करती है, और इस फॉर्म को हम इन डिजिट्स को बोलते हैं बिट। और जब ये 4 बन जाती हैं टर्म्स तो उसको बोलेंगे निबल, जब ये 8 होंगी तो बाइट। इसी तरह फर्दर हम इनके टर्म्स को यूज़ करते जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर को जो डाटा होता है, ख्वाह वो हमारे पास इनपुट हो या आउटपुट हो, बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग मेमोरी उसको अपने अंदर स्टोर करती है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल ली थी कि कंप्यूटर का जो भी डाटा होता है वो मेमोरी में स्टोर हुआ होता है। अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे वो भी सबसे पहले मेमोरी में जाएगी। अगर कंप्यूटर की आउटपुट होती है, आफ्टर प्रोसेसिंग होती है, तो CPU भी उसको वापस मेमोरी में भेज देता है। मींस डाटा प्रोसेसिंग होने से पहले भी कंप्यूटर मेमोरी में था और आफ्टर प्रोसेसिंग भी वो मेमोरी में है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी से डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद दोबारा वो इसको उसी जगह पे स्टोर कर देता है। इसलिए हम कंप्यूटर इसके मेमोरी को बोलते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस विच स्टोर्स डाटा आफ्टर एंड बिफोर प्रोसेसिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल रैम एंड द सेकेंड वन इज रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। 6th क्लास इसके फर्दर टाइप्स आप लोगों की बुक में नहीं है, इसलिए हम आज इनको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे। इनपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखें, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि वो डिवाइसेस जो अपने अंदर डाटा को स्टोर करते हैं उन डिवाइसेस को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल मेमोरी, USB फ्लैश मेमोरी, CD DVD एंड फ्लॉपी डिस्क, ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो अपने अंदर डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट को और आउटपुट को अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसलिए इन डिवाइसेस को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। 6th क्लास हमारा आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम स्टोरेज डिवाइसेस को रिवाइज करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।